हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आप लोग के लिए काफ़ी बड़ी हायरिंग अपडेट आ रही है टीसीएस टीम की तरफ से। बता दो फ्रेंड, ये टीसीएस का फ्री एनक्यूटी है, पेड एनक्यूटी नहीं है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे आप पेड एनक्यूटी है, नहीं ये पेड एनक्यूटी नहीं है। मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ फ्री एनक्यूटी। अगर ये पेड एनक्यूटी होता तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया होता पेड एनक्यूटी। ओके, सो टीसीएस बिगेस्ट फ्री ऑफ कैंपस हायरिंग स्टार्टेड फॉर द बैच ऑफ 23 एंड 22 पास आउट बैच। ओके, एंड इसमें बताऊंगा आपको सेकेंड रजिस्ट्रेशन अप्लाई फॉर ड्राइव। और बता दो फिर ये आपका एग्जाम इन सेंटर होने वाला, तो आपके पास यहाँ पर हॉल टिकट के मेल भी देखने को मिलेंगे जो लोग इसमें अप्लाई कर रहे हो। कोई पैसा नहीं है, कोई भी आपको रुपया देने की जरूरत नहीं है। टीसीएस फ्री एनक्यूटी हायरिंग फॉर 40,000 फ्रेशर्स फॉर फाइनल ईयर 23 एंड 22। न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेस्ट पैटर्न सैलरी यू आर गेटिंग अप टू 8.5 8.8 एलपीएम एंड एग्जाम यू आर गेटिंग अप 15th ऑफ जुलाई एंड अप्लाई बिफोर 29th जून। सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ओके, और तो फिर यहाँ पर आप मेरे पे देख सकते हो योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कैन स्ट्रीमलाइन आवर सक्सेस। टीसीएस एडमिन ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट ऑफ 22 एंड 23। सो बेसिकली यहाँ पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डोंट वरी, बी बी टेक वालों के लिए भी काफी अच्छी रिक्वेस्ट, वो बहुत जल्द देखने को आएगी जो मैं आपको अपडेट करूंगा। सुबह में ही अपडेट करूंगा आप लोग को 10 और 11 AM पे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इन होने वाला 29 जून थर्सडे को, टेस्ट आपका होने वाला 15 जुलाई जो कि आपका इन सेंटर होगा। अब अबाउट टीसीएस एडमिन ऑफ कैंपस हायरिंग, टीसीएस एडमिन ऑफ कैंपस हायरिंग फॉर ग्रेजुएट विद बैकग्राउंड इन कॉमर्स बीकॉम एंड मैनेजमेंट एमबीबीए बीएमएस ऑफ ईयर ऑफ पासिंग 22 एंड 23। अप्लाई कैसे करना होगा सर, आपको नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पर जाना होगा। अगर ऑलरेडी अकाउंट है देन आपको आईटीटी नंबर आपको रेफरेंस में रखना पड़ेगा, देन आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करना होगा। अगर आपके पास अगर नहीं है तो आपको सिंपली जो फ्रेंड आईटी के अंदर में आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का बटन मिलेगा देखने को, आपको फिर रजिस्टर करना है आईटी के अंदर में। अगर ऑलरेडी अकाउंट है इट्स फाइन, आपको सिंपली अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन उन्हीं लोग के लिए एलिजिबल, अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों के पास आएगा जो लोग बीकॉम बीबीए एंड बीएमएस 22 एंड 23 पास आउट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर सिनेरियो भी मेंशन किया गया है, बाकी आपको देख लेते हैं अपने हिसाब से इन सेंटर आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक। और फिर ये आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देख सकते हो, जो पहले आएंगे उनको पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो बाद में आएंगे उनको बाद में मिलेगा। ओके, ये देख सकते हो। ओके, बाकी क्राइटेरिया बात करें इसमें बीकॉम बीबीए बीएमएस ग्रेजुएट फ्रॉम ईयर पास 22 एंड 23, परसेंटेज पर 60% मेंशन कर दिया गया है। ओके, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में हाइट क्वालिफिकेशन शुड बी कंप्लीटेड कोर्स इन कोर्स ऑफ ड्यूरेशन नो एक्सटेंडेड एजुकेशन। ओके, बाकी बैकलॉग कोर्स टाइप एज क्या होना चाहिए, ठीक है। 18 टू शुड बी 26। ओके, एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो डिस्क्रिप्शन किया मेंशन किया गया, देख लेना आप लोग अपने हिसाब से। टेस्ट पैटर्न क्या होगा सर, टीचर टेस्ट प्रोवाइड एडमिन ऑफ हायरिंग 65 मिनट्स ऑफ 3 सेक्शन वर्बल एबिलिटी क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल, जिसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, कुछ क्वेश्चन से एफएक्यू में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको आईटी के अंदर में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट था भूल गए हो तो नया अकाउंट डालना कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बिलोंग करते हो इसके अगर आप लोग फॉल होते हो उनके क्राइटेरिया में, तो आप लोगों के पास अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन देखने को जरूर आएगा। उसके बाद फिर आपको जो है आपके पास 12 या 13 जुलाई को आपका हॉल टिकट का मेल आ जाएगा। हॉल टिकट का मेल आएगा, आप लोग नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से आपको हॉल टिकट का जनरेट भी एक टैब में शो करेगा, आपको डाउनलोड करना उसका एक प्रिंट आउट और अपना आधार कार्ड लेके आपको इन सेंटर पहुंचना है, आपको एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाना है। कोई लैपटॉप कैरी नहीं करना है, आपको वहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो जरूर अप्लाई करना, जो भी इसमें एप्लीकेशन होने वाले कुछ भी डाउट से कमेंट पूछना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टल जय हिंद जय भारत।